नीट पेपर लीक पर भड़क उठे कांग्रेसी। सरकार का फूंक डाला पुतला। जबरदस्त प्रदर्शन। इन दिनों देश में ज्वलंत मुद्दे के रूप में नीट पेपर लीक मामला सर उठाए है, जिसके बाद से कई अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमलावर है। उसी सिलसिले में कांग्रेस ने भी सरकार की जमकर आलोचना की है। इतना ही नहीं, विकास नगर में कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की और शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग कर डाली। आपको बता दें कि लगातार राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर के पेपर लीक हो रहे हैं, जिसके बाद से अभ्यर्थी नाराज हैं। वहीं राजनीतिक दलों के पास भी अच्छा मौका है कि वो सरकार को घेर सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने विकास नगर में केंद्र सरकार का पुतला फूंक डाला। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं के बाद अब नीट जैसी परीक्षा में हुई धांधली केंद्र सरकार पर बड़े सवाल खड़ी करती है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में या चौक बाजार में कांग्रेस के साथियों ने एकत्र होकर पुतला दहन किया है। निश्चित रूप से आज इस देश के भविष्य को लेकर एक बड़ा चिंताजनक विषय बना हुआ है। नेट परीक्षा, जिससे हमारे डॉक्टर बनते हैं छात्र और छात्राएं और जो लोगों का इलाज करते हैं, जिनका जीवन मरण उनके हाथ में होता है, उसमें इतनी बड़ी धांधली इस सामने आई है और उसके बाद भी सरकार चेत रही है, उनका कोई भी एक्शन उसके ऊपर नहीं है। शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और इस नीट परीक्षा को रद्द करते हुए दोबारा परीक्षा सिक्योर तरीके से करनी चाहिए और जिससे कि उन छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके। और देखिए कि नीट की तैयारी करने के लिए बच्चे अपना जीवन लगाते हैं, अपना समय खराब करते हैं, उनके माँ बाप कहाँ से पैसा जो इकट्ठा करते हैं, कैसे उनको पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज इतनी बड़ी धांधली होने के बाद सरकार के साथ में जो नहीं रहेंगे, ये बड़ी खेद का विषय है। और इस सरकार से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? इस मोदी सरकार से बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी ईमानदारी की बातें करते हैं और आज प्रदेश से लेकर देश के अंदर परीक्षाएं कोई सी भी हो, सबके पेपर लीक हो रहे हैं। इसके नीट परीक्षा में जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने पूरे देश के अंदर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, कांग्रेस सड़कों पर उतर कर उसका पुरजोर आंदोलन करेगी। और साथ ही हम मोदी सरकार को और प्रदेश की उन सरकारों को जिन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई है, उन्हें चेताना चाहते हैं कि या तो सरकार इस नीट परीक्षा को तुरंत निरस्त करे और इसकी सीबीआई जांच करे, नहीं तो मोदी और धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देंगे कांग्रेस इस सड़कों पर उतरकर किसी प्रकार उनका विरोध करते रहेंगे। इतनी बड़ी धांधली सामने आई है, बावजूद इसके सरकार का कोई एक्शन इसके ऊपर क्यों नहीं है? इस मामले में शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। विकास नगर की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने अपनी आवाज को बुलंद कर सरकार को घेर डाला। आपको बता दें कि इन दिनों पेपर लीक के बाद अभ्यर्थी युवाओं में खासी निराशा है। लगातार पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। विकास नगर से टीना साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।